हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू होप यू ऑल बी फाइन एंड चेयरफुल आई एम पंकज सर एंड टुडे आई एम हेयर टू टीच यू द सेकंड चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश बुक डिस्कवरी ऑफ सी डू टू इंडिया स्टूडेंट्स आज वर्तमान समय में आप ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बहुत सारे स्रोत देखते हैं जैसे हम रोडवेज़ का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम एयरवेज़ का इस्तेमाल करते हैं हम रेलवेज़ का इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जब इन सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का अविष्कार नहीं हुआ था तो लोग एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किस ट्रांसपोर्ट का यूज करते थे मैं बताता हूं उस समय लोग वाटरवेज का इस्तेमाल करते थे जल मार्ग का इस्तेमाल करते थे यह जो चैप्टर है आपका डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया यानी भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज आप जानते हैं हमारे देश का इतिहास अति प्राचीन रहा है हमारे देश को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था सोने की चिड़िया के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि यहाँ धन संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आए वह सिर्फ़ हमारे देश पर शासन करने के उद्देश्य से नहीं आए वह व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं आए बल्कि भारत के धन संपदा ने यहाँ की अपार जो धन दौलत थी वह उनको आकर्षित किया इसी संदर्भ में प्राचीन काल में जो लोग भारत आने के लिए रास्ता नहीं जानते थे दूसरे देशों के जैसे कि पहले ना तो एयरवेज़ का डेवलपमेंट हुआ था ना रेलवेज का डेवलपमेंट उतना ज़्यादा हुआ था ना आपके रोडवेज का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था कि कोई भारत आए तब क्या किया लोगों ने कि भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज करना शुरू किया और आप जानते हैं हमारा देश भारत जो है वह तीन दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है उसी क्रम में भारत आने के लिए सबसे पहले पुर्तगाल का एक निवासी था जिसका नाम था वास्को डिगामा क्या नाम था दोस्तों वास्को डिगामा वास्को डिगामा जो था वह उत्तम आशा अंतरिप होते हुए हमारे देश का खोज करने के लिए कालीकट के बंदरगाह जो कि केरल में है वहां पहुंचा जहां केरल का उस समय एक हिंदू राजा था जिसका नाम था जमोरिन उसने उसका भव्य स्वागत किया वाश्कुडियम्मा ने यह सुन रखा था कि भारत में व्यापार करने से उसका लाभ बहुत ज्यादा होता है यहाँ के मसाले यहाँ के मलमल की छींटे पूरे विदेशों में प्रसिद्ध थी यही कारण था कि वास्को डियामा का ध्यान भारत की तरफ आया और यदि आप ऐतिहासिक संदर्भ में जाना चाहते हैं तो एक और कारण था हुआ यह कि जब यूरोप के लोगों का व्यापार अब जानते हैं एशिया के लोगों के द्वारा सिल्क रूट से यानी रेशम मार्ग से होता था लेकिन उस मार्ग पर भूमध्य सागर पर जब तुर्की के लोगों ने अधिकार कर लिया तो जो भी यहाँ से लोग वहाँ व्यापार करके अपने साथ धन संपदा ले जाते थे उनको वो रास्ते में ही लूट लेते थे अतः वहाँ के लोगों ने एक नए रास्ते की उनको ज़रूरत पड़ी जिस रास्ते से वह सुरक्षित रूप से अपने व्यापार कार्यों को संपादित करके यहाँ से जो भी लाभ था जो भी धन था ले जा सकें इसी क्रम में वास्को डीएम्मा जो था वह भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया जिस बात को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है तो आइए हम देखते हैं आपका ये चैप्टर डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया द डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट From Europe to India was an important event. भारत आने के लिए यूरोप से जो समुद्री मार्ग का खोज हुआ वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी इट चेंज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इसने संसार के इतिहास को बदल दिया लेटस रीड अबाउट द मैन हु मेड दिस डिस्कवरी आइए हम उस इंसान के बारे में जानें जिसने इसका खोज किया था इन एंशिएंट टाइम्स इंडिया वाज नोन एज द गोल्डन बर्ड मैंने जैसा कि आपको बताया है कि प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था इट वाज फेमस फॉर इट्स इमेंस वेल्थ प्रीशियस ज्वेलर्स सिल्क एंड स्पices भारत जो था वह अपने प्रचुर धन संपदा आभूषण रेशम और मसालों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था मैनी फॉरेन इन्वेडर्स ट्राई टू कंक्वीट इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने समय समय पर भारत पर जीत हासिल करने का प्रयास किया दे अट्रैक्ट इंडिया एंड कैरीड अवे द वास्ट स्टोर ऑफ स्टोर्स ऑफ वेल्थ वे भारत पर आक्रमण किए और यहाँ से बहुत सारा धन संपदा बहुत सारी संपत्ति लूट कर ले गए यूरोपियंस वी आर अट्रैक्ट टुवार्ड्स इंडिया मेनली बिकॉज दे कु अर्न वेल्थ थ्रो ट्रेड जहाँ तक यूरोपीय देशों का सवाल है तो उनका आकर्षण भारत के तरफ इसलिए था क्योंकि वो भारत से व्यापार के माध्यम से धन इकट्ठा कर सकते थे इंडिया वाज रिच इन भारत मसालों के मामले में बहुत ही संपन्न था मर्चेंट्स ब्रॉट दीज एस्पीसीज अक्रॉस द डिजर्ट ऑफ ऑर्बिया टू यूरोप एंड सोल्ड देम एट ए हाई प्रॉफिट व्यापारी जो थे वह अरबिया के यूरोप के डिजर्ट एरिया से दूर दराज से आते थे और यहाँ बड़े ऊंचे मुनाफे पर उन्हें बेचते थे किंग एम्यूल ऑफ पुर्तगाल डिड नॉट वांट टू पे द मर्चेंट्स पुर्तगाल का जो राजा था एम्यूल वह किसान ये मर्चेंट्स यानी व्यापारियों को पैसा नहीं देना चाहता था ही वॉन्टेड टू बाई अ स्पीसीज डायरेक्टली वह डायरेक्ट इन मसालों को खरीदना चाहता था फॉर विच ही डायरेक्ट ट्रेड लिंक विथ इंडिया यही कारण था कि वह भारत से प्रत्यक्ष रूप से व्यापार स्थापित करना चाहता था अट टू इंडिया उसने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग ढूंढने का विचार किया अट टू इंडिया वुड मीन अ लॉर्ट ऑफ वेल्थ फॉर पुर्तगाल उसका सोचना था कि यदि भारत से पुर्तगाल का सी रूट स्थापित हो जाता है समुद्री मार्ग भारत से जाने का मिल जाता है तो इससे पुर्तगाल को काफी ज्यादा धन का लाभ होगा इट इससे अमीर हो जाएंगे किंग एम्यूल चूज वास्को डिगम्मा टू कमांड द फर्स्ट पुर्तगालीज एक्सपेडिशंस टू इंडिया और एमिन ने राजा एम ने वास्को डिगम्मा को पहला पुर्तगाली व्यक्ति चुना जो भारत के समुद्री यात्रा पे चला वास्को मैन ऑफ पुर्तगाल वास्को पुर्तगाल का एक बहुत ही इन अच्छा इंसान था नोबेल मैन था ही हैड सर्व एज ए नोवल ऑफिसर एंड डिफेंडेड द पुर्तगालीज कॉलोनीज फ्रॉम द फ्रेंच ऑन द कोस्ट ऑफ गुएना वह एक ऑफिसर के रूप में पुर्तगाली जो क्लोनीस थे क्लोनीस का अर्थ क्या होता है कि यदि कोई देश देश दूसरे पर अपना अधिकार करके उसे अपने कब्जे में ले लेता है तो उसको कहा जाता है जैसे आप जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था तो भारत को उन्होंने अपना कॉलोनी बनाया था उसी तरह पुर्तगाल के जो क्षेत्र थे उस पर फ्रांस जो था अपना आधिपत्य करना चाहता था तो वास्को डिगम्मा जो था इसे रोकने का <coughs> काम किया द रूट ऑफ द एक्सपीडिशन वॉज राउंड अफ्रीका यह रूट जो था यह अफ्रीका से घूम कर आना पड़ता था इन दोज डेज उन दिनों देयर नो अदर वे टू रीच इंडिया फ्रॉम यूरोप दूसरा कोई रास्ता उन दिनों नहीं था जो यूरोप से भारत आए ऑन जुलाई एट फोर्टीन नाइनटी सेवन वास्को डिगामा स्टार्टेड हिज जर्नरी टूवर्ड्स इंडिया फ्रॉम लिस्बन द पुर्तगालीज कैपिटल 8 जुलाई उन चौदह सौ ईस्वी को वास्को डिगम्मा अपनी यात्रा पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन से भारत के लिए शुरू की ही सेल विथ अ फ्लीट ऑफ फोर शिप्स व चार शिप यानी जहाज़ों का समूह लेकर आगे बढ़ा दे सेल पास द कैनरी आइसलैंड आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ अफ्रीका वे लोग कैनरी आइलैंड को पास किए जो कि अफ्रीका का तटीय इलाका था ऑन ट्वेंटी सिक्स जुलाई दे रिच केप वर्डे आइलैंड वेयर दे स्टॉप टू टेक रेस्ट छब्बीस जुलाई चौदाह सौ संतानवे को वे लोग केप वर्डे आइलैंड पहुंचे जहां पे वे लोग आराम करने के लिए रुके फ्रॉम देअर दे प्रिपेयर देम सेल्व फॉर द मोस्ट डिफिकल्ट जर्नरी अराउंड द कोस्ट ऑफ़ अफ्रीका और वहाँ से उनकी यात्रा की सबसे मुश्किल दौड़ शुरू हुई जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती थी बार्थलोमोडियाज अनदर पुर्तगालीज एक्सप्लोर हैड अर्लियर सेल्ड अराउंड द टिप ऑफ अफ्रीका उसके पहले वास्को डिगम्मा से पहले वार्थोलोमियो डियाज नाम का एक पुर्तगाली और नाविक था जो कि यहाँ अफ्रीका के ट्रिप पे निकला था ही He हेल्प वास्को डिगम्मा टू बिल्ड एंड फिट आउट द फ्लीट ऑफ शिप्स उसने वास्को डिगम्मा की मदद की और उनके शिपों को आगे बढ़ने में मदद किया ही ऑल्सो एडवाइज वास्को डिगम्मा नॉट टू सेल टू क्लोज टू द कोस्ट उसने यह भी सलाह दिया कि तट के ज़्यादा नज़दीक आपको सेल नहीं करना है यानी जहाज लेके नहीं जाना है द सी नियर द कोस्ट वॉज रफ एंड द करेंट्स वे आर वेरी स्ट्रांग क्योंकि तटीय इलाकों का इलाका जो था क्षेत्र जो था रफ था और वहाँ करेंट जो धारा थी समुद्री धारा वह भी काफ़ी मजबूत थी सो so, वास्को डिगम्मा टर्न अवे फ्रॉम द कोस्ट इसलिए वह तटीय इलाकों से मुड़ गया ही सेल डाउन द मिडिल ऑफ द अटलांटिक वह अटलांटिक ओशियन के मध्य में जहाज खेता हुआ आगे बढ़ा डिफिकल्ट टू सेल एगेंस्ट द विंड साउथ वेस्ट जो साउथ वेस्ट से दक्षिण पश्चिम से हवा जो चल रही थी उसके एगेंस्ट में नाव को चलाना बड़ा मुश्किल था कारण क्या था कि देखिए उस जमाने के जो नाव होते थे वह किसी इंजन पावर से नहीं चलते थे स्टीम इंजन से नहीं चलते थे बल्कि उनमें पतवार लगा हुआ था और हवा के दिशा से वो लोग आगे बढ़ते थे यही कारण था कि हवा के एगेंस्ट नाव को खेना बहुत मुश्किल होता था हाउएवर दे फाइनली वेंट राउंड द केप वर्डे ऑन ट्वेंटी टू नवम्बर और किसी तरह अंत में वे लोग केप वर्ल्ड बाईस नवम्बर को पहुँचे थ्री डीज लेटर तीन दिनों के पश्चात दे रिच्ड मोशल वे वे लोग मोशल की खाड़ी में पहुँचे ये मोशल की खाड़ी कहाँ है आप जानते हैं इराक का नाम सुने होंगे वहाँ ये मोशल पाया जाता है जगह का नाम है ऑन सेवन अप्रैल फोर्टीन एट द फ्लीट सेल ऑफ द कोस्ट पासिंग द पोर्ट ऑफ मोशाम्बा और सात अप्रैल चौदह सौ अंठानवे ईस्वी के को यह जो झुंड था सीप का यानी उनका जो समूह था वह मोशाम्बा पोर्ट्स को पास किया वीक लेटर एक सप्ताह के पश्चात द फ्लीट ड्रॉप्ड एंकर एट मालिंडी बिग पोर्ट ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका इनका जो समूह था वह मालिंडी जो कि एक बहुत बड़ा कोस्टल पोर्ट था अफ्रीका का वहां पहुंचा फाउंड ए लोकल पायलट जहां पर डिगम्मा को एक स्थानीय नाविक मिला द पाइलट गाइडेड द अरबियन सी और यही पायलट जो था उन्हें अरबियन सी को पार कराने में मदद किया आफ्टर सेलिंग ट्वेंटी थ्री डेज वास्को डिगम्मा शॉ द वेस्टर्न घाट ऑन होरिसन तेईस दिनों की यात्रा के पश्चात वास्को डिगम्मा को वेस्टर्न घाट जो था उसका छितिज दिखाई दिया हैड रीच द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया वे लोग मालाबार कोस्ट जो कि केरल में है वहाँ पहुँचे ऑन एथिनथ में द फ्लीट टच द सिटी ऑफ कालीकट और 18 मई चौदह सौ ईस्वी को यह समूह जो था कालीकट पहुँचा

इस देश और यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुँचा द सेलर लर्न टैट द रूलर ऑफ कालीकट वॉज कर्ल्ड जमोरिन मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वहाँ का जो वास्को डिगम्बा का साथी नाविक था वह पहुँचा तो उससे पता चला कि कालीकट का जो राजा है उसका नाम है जमोरिन नेक्स्ट डे हू वेंट टू द कोर्ट ऑफ जमोरिन अगले दिन वे लोग जमोरिन के दरबार में पहुँचे ही वॉज अस्टोनिश टू सी द्रेसियस रूबीज इमरल्ड्स डायमंड्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ पैरल्स एट द जमोरिन वॉर जब उन लोगों ने देखा कि राजा जो है जमोरिन वह बहुत ही महंगे नीलमणि इमरल्ड्स डायमंड्स हीरे मोतियों से जड़े हुए वस्त्र पहना है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ द सेलर वेंट बैक टू सीप एंड टोल वास्को डिगामा डेट इंडिया वॉज रियली एज रिच एज इज फेम टू बी और वह वास्तव में जब वापस आया वास्को डिगम्मा का साथी तो उसे बताया कि हम लोगों ने जितना इंडिया के बारे में भारत के बारे में सुना है कि यह इतना धन संपदा से परिपूर्ण है वास्तव में यहाँ पर इतनी संपदा है नेक्स्ट वास्को डिगम्मा वेंट टू तो मीट जमोरिन अगली बार वास्को डिगम्मा जमोरिन से मिलने गया द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन वास्को डिगम्मा एंड जमोरिन वेंटवेल उन दोनों के बीच जो पहली मीटिंग थी वो बहुत ही अच्छी रही वास्को डिगम्मा रिक्वेस्टेड हिम टू अलाउ देम टू ट्रेड इन कालीकट वास्को डिगम्मा उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कालीकट में व्यापार करने की अनुमति दीजिए जमोरिन आस्क जमोरिन एग्रीड बट आस्क वास्को डिगम्मा टू गिव हिम प्रेजेंस एंड पे द टैक्सेज बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेड तब जमोरिन ने उससे कहा कि आप पहले उपहार दीजिए और साथ ही नॉट कैरिड एनी कॉस्टली प्रेजेंट ऑन जनरी, सो ही प्रेजेंट्स ही रिच जमोरिन वेयर बिलो हीज एक्सपेक्टेशन क्योंकि वास्को डिगामा so अपने साथ कोई महंगी चीजें नहीं लाया था इसीलिए वो वो जमोरिन को वही वस्तुएं दिए जो बहुत ही थी, सामान्य थीं जिसकी आशा भी जमोरिन ने नहीं की थी मोरवर नो वन वॉज इंटरेस्टेड टू बाई थिंग्स द पुर्तगाल हैड ब्रॉड फॉर ट्रेडिंग और वहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि पुर्तगाल से जो लोग यहाँ पे वस्तुएं लाए थे वो ज़्यादा कोई खरीदने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं था वास्को डिगम्मा एस्टेड इन कालीकट फॉर थ्री मंथ्स वास्को डिगम्मा कालीकट में तीन महीने के तक रहा ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे ही वॉज एबल टू बाई ओनली अ फ्यू हैंडफुल ऑफ स्पीसीज और इन दौरान वो बहुत कम मात्रा में मसालों को खरीदा फाइनली ही गेव टू हिज अटेम टू ट्रेड एंड स्टार्टेड टू हिज ऑन हिज जर्नी बैक होम और अंत में वह अपना व्यापार करके घर वापस जाना चाहता था इन फोर्टीन नाइन्टी सेवन वन हंड्रेड एंड सेवेंटी पुर्तगालीज हैड सेट सेल फॉर इंडिया इन फोर शिप्स चौदह सौ अंठानवे ईस्वी में लगभग एक सौ सत्तर पुर्तगालियों को भारत में चार शिपों पर करके भेजा गया ओनली फिफ्टी फोर ऑफ देम इन टू शिप्स रिटर्न टू लिस्बन इन नाइन्टी नाइन और उनमें से मात्र फिफ्टी फोर यानी चौवन लोग जो थे वह दो सीप में चौदह सौ निन्यानवे में पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन पहुँचे वास्को डिगम्माज वॉय डिड नॉट अर्न मच वेल्थ पुर्तगाल वास्को डिगम्मा की इस यात्रा से पुर्तगाल को कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ बट इट हेल्प्ड पीपल नो हाउ टू रीच इंडिया फ्रॉम यूरोप बाई सी लेकिन इससे लोगों को यह पता चला कि भारत में समुद्री मार्ग से कैसे पहुँचा जाता है मैनी यूरोपियन सेलर सिट ऑफ ऑन लॉन्ग वाइज ऑफ डिस्कवरी टू द ईस्ट और तब से बहुत सारे यूरोपीय भारत या पूर्वी क्षेत्रों में अपनी समुद्री यात्रा को शुरू किए द ट्रेड दे ट्रेड विद दिस कंट्रीज एंड डिस्कवर द इमेंस वेल्थ ऑफ द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट वे यहाँ व्यापार करना शुरू किए और बड़े पैमाने पर धन दौलत कमाने लगे स्लोली द यूरोपियन नेशन स्टार्टेड रूलिंग ओवर देम धीरे धीरे यही यूरोपीय देश इन देशों पर अपना अधिकार करके वहाँ शासन करने लगे इंडिया वॉज ऑल्सो टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश एंड वॉज रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट टू हंड्रेड ईयर्स आपको पता है कि इसी क्रम में अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार किया और लगभग यहाँ दो सौ सालों तक शासन किया हाउवर दैट इज अनदर स्टोरी या एक दूसरी कहानी है ब्रिटिश लोगों की तो ये थी आपकी आ, कहानी जो कि मैंने आप लोगों को बताया अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं आप ये देखते हैं उसके एक्सरसाइज को ट्रिक द करेक्ट ऑप्शन व्हाट वाज इंडिया नोन एज इन एंशियंट टाइम भारत प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था आंसर है गोल्डन बर्ड आपका निशान किया हुआ है देख लीजिए वट वीन भारत किस लिए ज्यादा जो था फेमस था मशहूर था स्पीसीज मसालों के लिए When did started towards India? Digamma, भारत में अपनी यात्रा कब शुरू की आंसर है जुलाई टच द सिटी ऑफ कालीकट उनका समूह कालीकट के बंदरगाह पर कब पहुंचा आपका आंसर होगा बी एटीन 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज़ द रूलर ऑफ़ के राजा का नाम क्या था आपका आंसर होगा शी जमोरिन ओके नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं आपको उनको चुन के किताब पढ़ के भरना है जैसे पहला डैश ऑफ सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट आपका आंसर है बनाएगा इसमें डिस्कवरी नेक्स्ट इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स इमेन्स डैश वेल्थ किंग इमेन्यूल ऑफ डैश डिड नॉट वॉन्ट टू पे द मर्चेंट्स पुर्तगाल वास्को डिगामा वॉज अ डैश ऑफ पुर्तगाल नोबेल मैन वास्को डिगामा एस्टेड इन डैश फॉर थ्री मंथ कालीकट सी में देखिए पांच क्वेश्चन हैं इन पांचों क्वेश्चन का आंसर मैंने अंतिम पेज पे लिखा है जैसे पहला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ आप आंसर पीछे से देख के लिखिएगा आगे आपको जैसे ये वीडियो में आप आगे जाइएगा आपको इसका आंसर आगे मिलेगा आपको वहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे व्हाट वॉज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ नेविगेशन समुद्री यात्रा के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी तो वही भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज हु वाज वास्को डिगम्मा विच कंट्री डिड ही बिलोंग टू वास्को डिगम्मा वाज अ नोबल मैन ऑफ पुर्तगाल ही वाज अ सेलर ही बिलोंग्स टू पुर्तगाल व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी उसके यात्रा का सबसे मुश्किल दौर कौन सा था द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी वाज अफ्रीका हु हेल्प वास्को डिगम्मा टू बिल्ड एंड फिट आउट द शिप्स ऑफ द फ्लीट वास्को डिगम्मा की मदद यात्रा के दौरान कौन किया तो मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका से निकलने के लिए उसकी यात्रा में मदद उसको वार्थोलोमियो डियाज ने किया था व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट ऑफ वास्को डिगम्माज डिस्कवरी वास्को डिगम्मा के इस खोज का क्या महत्व है तो इस खोज का महत्व है कि जितने भी यूरोपीय देश थे धीरे धीरे पूर्व के देशों से व्यापार करना शुरू कर दिए इन सारे क्वेश्चन के आंसर पाँचों को आपको अंतिम पेज पर पे मिलेगा मैं अभी आपको दिखाऊँगा मैच द फॉलोइंग है देखिए फ्लीट फ्लीट का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ सिप्स एक्सप्लोरर यानी ट्रेवलर होरिजन होरिज़न यानी द प्लेस वेयर द स्काई सिम्स टू मीट द सी एशोर यानी ऑन शोर किनारा समुद्री किनारा और एस्टोनेस्ड यानी एमेज आश्चर्यचकित उसके बाद है आपको इन पांचों वर्ड से फ्लीट एक्सप्लोरर श्योर एस्टोनि sure, से आपको मेक सेंटेंसेस करना है देखिए मैंने सारे सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं आपको इसको लिख लेना है समझ लेना है उसके बाद देखिए यहाँ पे राइट द एवरीप्रियसन फॉर द फॉलोइंग वन हैज बीन डॉन फॉर यू बैचलर ऑफ आर्ट इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है बैचलर ऑफ आर्ट्स को बी ए कहा जाता है बी ए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एमपी पी शॉर्ट फॉर्म लिखना है मास्टर ऑफ आर्ट का एमए किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम यूके ट्रेड यूनियन टीडी प्राइम मिनिस्टर पीएम साउथ ईस्ट एस ई हिज हर मेजेस्टी एच और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जिसको पी कहा जाता है पी एच जिसको हम पी एन डी भी लिखते हैं इसको कंप्लीट करना है अब आइए ग्रामर में ग्रामर में आपको क्या करना है द पोजिशन ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेज इन देंटेंसेज इज इनकोरेक्ट इसमें कुछ सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड्स हैं जो फ्रेज हैं वो उनका स्थान सही जगह नहीं है इनकोरेक्ट लिखा हुआ है री राइट द सेंटेंसेज विद द फ्रेजेज इन दर करेक्ट प्लेस उनको सही स्थान पर लिखना है सजा के लिखना है वन हैज बिन डॉन फॉर यू एक आपके लिए किया गया है जैसे देखिए द क्वीन मेड ऑफ डायमंड और अ टी आरा तो देखिए इसमें ये सही स्थान पर नहीं है इसका सही स्थान सजा कर लिखने के लिए होगा द क्वीन और ए टीवारा मेड ऑफ डायमंड ठीक उसी तरह द गर्ल इज़ वेरी साई इन फ्रंट ऑफ रो तो आपका आंसर है द गर्ल इन द इन द फर्स्ट रो इज़ वेरी साई नेक्स्ट द बिग हाउस एट द इंड ऑफ द रोड बिलोंग्स टू माई अंकल द बॉल विद द ब्लैक एस्टिफ इज माइंड द पुलिस मैन रोड डाउन द कम्पलेंट इन हिज नोटबुक मोस्ट ऑफ द एस्टोरीज इन दैट बुक वी आर रिटन बाई माई अंट और लास्ट है द प्लेट्स एंड ग्लासेस इन दैट कप बोर्ड आर ओनली यूज फॉर सोशल ओके स्पेशल ओकेजन्स ओके तो ये आप लिख लीजिएगा कोई दिक्कत अब आपको मैंने इसमें आपको बताना है ऑन कम वर्ड्स हैं यानी इनको सजाया नहीं गया है इनको सजाकर कर मीनिंगफुल बनाना है जैसे इसमें पहला है हैव यू सीन माय बंच ऑफ कीज़ क्या तुमने मेरे चाबियों का गुच्छा देखा है तो देखिए बंच जो है उसको ऑन क्रैम्बल में लिखा गया है सी एच यू एन बी है इसको सही करके लिखा गया है बंच ठीक है उसी तरह फ्लीट चेस्ट ड्रॉप और मोव इन सबको क्या कर देना है भर देना है अब आश मैं आशा करता हूँ आप लोग भर लेंगे और समझ लेंगे अब जो शुरू में मैंने पांच क्वेश्चन जो आपको बोले थे सी नंबर क्वेश्चन का उसमें पांच क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको मैं आपके डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ देखिए क्वेश्चन नंबर वन का आंसर मैंने लिखा है द डिस्कवरी ऑफ सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया वॉज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ नेविगेशन ये पहला क्वेश्चन था मैंने बताया था आपको सेकेंड था वास्को डिगामा एन एक्सप्लोरर ही बिलोंग्ड टू पुर्तगाल थर्ड क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन जो था उसका आंसर है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी वाज अराउंड कोस्ट ऑफ अफ्रीका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है डियाज हेल्प वास्को डिगम्मा टू बिल्ड एंड फिट आउट शिप ऑफ द फ्लीट और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है द डिस्कवरी ऑफ वास्को डिगामा हेल्प पीपल नो हाउ टू रीच इंडिया फ्रॉम यूरोप बाय सी ये पांच क्वेश्चन उधर थे जिसका आंसर मैंने आपको कहा कि बाद में लास्ट में आपको मिलेगा वही उन पांचों क्वेश्चन का आंसर आपका ये है ओके तो इस पार्ट को आप लोग बेहतर तरीके से इस वीडियो को देखिए समझिए और लिखिए और साथ ही साथ और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन दबाइए ताकि मैं कोई भी नया चीज़ डालूं वीडियो तो आपको देखने को मिले ठीक है यदि आपकी कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें आपके सुझावों का हम स्वागत करेंगे और उसको सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे ओके दैट्स ऑल